नमस्ते भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों। तो वीडियो ख़त्म होने से पहले एक बार नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबा के जाना। अगर आप नए हो तो अगर आपने दबा दिया है तो दोस्तों को बोलो कि वो दबाए और बन जाए मेरी छोटी सी फैमिली का हिस्सा। थैंक यू। सो लेट्स कैरी ऑन विद द शो। तो दोस्तों, OTT प्लेटफॉर्म में एक बहुत ही ओवररेटेड, ओवर एक्टिंग, ओवर सब कुछ ओवर वाली मूवी आ चुकी है 10 जुलाई को इसी साल। तो उस मूवी को आपने बहुत ही ज़्यादा डिसलाइक किया है। एक्चुअली मैंने भी डिसलाइक किया है क्योंकि नेपोटिज्म का बादशाह, जी हाँ, नेपोटिज्म के बादशाह ने वो मूवी बनाई है। हिंट मैं नहीं दूंगा, जी हाँ सही गैस लगाया। 10 जुलाई को एक ही मूवी आनी थी OTT प्लेटफॉर्म में और डिसलाइक बहुत ही ज़्यादा मिले हैं। तो रिव्यू करते हैं उस मूवी को। तो अब आते हैं स्टोरी के स्टोरी लाइन पे, मतलब मूवी के स्टोरी लाइन पे। तो स्टोरी लाइन को तो ये कहती है कि फिल्म पिक्स अप वेयर सड़क लिफ्ट ऑफ रिवॉल्विंग अराउंड अ जर्नी विद अ यंग गर्ल जो कि आलिया भट्ट है, हु बिकम एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन द लाइफ ऑफ प्रोटैगनिस्ट जो कि संजू बाबा है, एंड द रीजन ऑफ फॉर हिम टू स्टे लाइव। क्या बकवास है भाई, ये था ये कैसी स्टोरी लाइन है ये? मतलब आलिया भट्ट संजू बाबा को मोटिवेट करिए जिंदा रहने के लिए। अबे बंदा, बंदे ने मुन्ना भाई MBBS की है, लगे रो मुन्ना भाई की है, अग्निपथ की है, पता नहीं कौन कौन सी मूवी की है, सड़क पार्ट 1 की है, ओरिजिनल सड़क की है, और तू उसे दिखा रही है कि तू जिंदा रह सकता है वो भी अकेले? क्या बकवास है ये साला। अब मेरे को पता चला कि इतने सारे डिसलाइक कैसे, अब मेरे को पता चला। इसका मतलब अगर रिलीज़ होगी मूवी, वैसे जो हो चुकी है, अगर OTT प्लेटफॉर्म में नहीं रिलीज़ होके, अगर ये क्वारंटाइन का सिस्टम नहीं होता, अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता, तो हम लोग तो मूवी हॉल ही चला लेते क्योंकि इतनी फालतू की मूवी है। आपको समझ नहीं, दोबारा पढ़ के बताता हूँ, विस्तार में बताता हूँ। द फिल्म पिक्स अप वेयर सड़क लेफ्ट ऑफ रिवॉल्विंग अराउंड द जर्नी विद अ यंग गर्ल आलिया, ठीक है, हु बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन द लाइफ ऑफ प्रोटैगनिस्ट संजू बाबा, एंड द रीजन फॉर हिम, संजू बाबा के लिए रीजन बनती है टू स्टे अलाइव। मतलब आलिया भट्ट संजू बाबा के लिए रीजन बनती है टू स्टे अलाइव। क्यों क्यों मेरे भाइयों बहनों क्यों? मतलब संजू बाबा खुद नहीं अकेले रह सकता, बंदा खुद स्टड है, खुद वो अपने दिमाग में 360 के करीब गर्लफ्रेंड है बाबा की, लेकिन वो क्यों क्यों क्यों, बस ये सवाल है, क्यों अकेला नहीं रह सकता संजू बाबा इस मूवी में? और ऐसी स्टोरी लाइन क्यों, ऐसी स्टोरी लाइन क्यों? और आदित्य रॉय कपूर क्या कर रहा है इसमें, ये बात बता दो, आदित्य रॉय कपूर क्या कर रहा है इसमें? लव ट्राइंगल संजू बाबा, मतलब लव एंगल संजू बाबा और आलिया भट्ट का, ठीक है, लेकिन आदित्य रॉय कपूर का क्या कर रहा है? अमान तो पूजा भट्ट उसकी माँ बनी है आलिया आलिया भट्ट की, लेकिन आदित्य रॉय कपूर क्या कर रहा है? वो क्या चुल मची है उसको, जाके पीकर वाली मूवी करा, आशिकी 3 कर, तू कर क्या रहा है तू? कमाल। देखो भाई, अगर मेरे को ये मूवी मिलती ना, मतलब मैं अगर स्टार किड नहीं होता तो मैं मूवी कर लेता, अपने दम पे करता, बल्कि मेरे को पता है कि मैंने करने से कोई कद्दू फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे सामने पता नहीं कौन होगा, शाहरुख खान होगा या सलमान खान होगा, लेकिन लेकिन मैं मूवी कर लेता। आलिया भट्ट
जिसको ये तक नहीं पता कि भगवान उसके साथ है कि नहीं है, जिसको ये तक नहीं पता कि विनोद कौन है। क्या यार, क्या लिया तूने, खाला खा लिया? तो अब बात करते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। सबसे पहले आते हैं बाबा, अपने संजू बाबा। उसके बारे में मैं कुछ उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो फिलहाल अच्छे एक्टर है, वर्सेटाइल एक्टर है। संजू में भी उनके संजू में रणवीर ने काम किया, कपूर रणवीर कपूर ने काम किया है, तो उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। फिर आते हैं मकरंद देश पांडे। ओए ओए, क्या एक्टर है बेचारा। साइड एक्टर है, लेकिन जो उसकी जो सेकंड की जो टाइमिंग होती है ना, वो अच्छी होती है। फिर आते हैं आलिया भट्ट। ओए ओए, इतनी फालतू मूवी, इतनी फालतू है उसकी मूवी कि वैसे यहाँ क्या बताए। मतलब हाईवे देखी, ना कोई एक्टिंग ना कोई कुछ। स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखी, ना कोई एक्टिंग ना कोई कुछ। वो और कौन सी थी, और कौन सी थी इसकी, और कौन सी थी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, हाईवे, हाँ सड़क, सड़क में एक इसका डायलॉग है, ऊपर वाला हमारे साथ है। ऐसा कहाँ है, मेरे को तो नहीं देखा ट्रेलर पे, कहाँ है बता, कहाँ है। फिर पूजा भट्ट, पूजा भट्ट भी है सबसे ओवररेटेड। फिर आते पियकर ऑफ आर इंडस्ट्री, ऑफ आर बॉलीवुड इंडस्ट्री, आदित्य रॉय कपूर। मलंग में ठीक एक्टिंग की है, आशिकी 2 में पियकर वाली एक्टिंग की है, आशिकी 1 में भी पियकर वाली एक्टिंग की है, ये जवानी है दीवानी में भी पियकर वाली एक्टिंग की है, और फितूर में पिटके माना है ऑडियंस से। ओके जानू में श्रद्धा कपूर के पीछे भागे बेचारा, और भी हाँ, ये जवानी है दीवानी में तो काल की उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसको छोड़ के किसी और के पीछे भागे, लारा 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 लारा, जो लारा नहीं है मूवी में, उसके पीछे भागे। तो एक तो पियक्कर है अपना, बॉलीवुड इंडस्ट्री का पियक्कर आदित्य रॉय कपूर, और एक पूजा भट्ट है, आलिया भट्ट सबसे पकाऊ, और अपने बाबा, मेरे फेवरेट बाबा, और एक मकरन देश पांडे। ओए ओए, क्या है, दो एक्टर ठीक है, तीन लोग बहुत ही ओवर एक्टिंग है, और एक तो अपनी स्टार किड भी है, नाम नहीं बताऊंगा, आलिया भट्ट है ठीक है। आलिया भट्ट से एक और चीज़ याद आई, आलिया भट्ट के जोक एक हाथ लगे सुनाता हूँ। पीएम मोदी बोलते हैं आलिया भट्ट से कि आलिया, अगर तुम्हें 2 मिनट के लिए पीएम बनाए तो क्या करोगे? आलिया भट्ट, मैं मैगी बनाऊंगी। ये आलिया भट्ट का जवाब है पीएम को, मोदी को। फिर मोदी बोलते हैं 5 मिनट के लिए बनाए तो, आलिया भट्ट सोचती है फिर कुछ नहीं, इतनी मैगी कौन खाएगा भैया? अरे भाई मेरे, सॉरी बहन, मेरे देश के प्रधानमंत्री है वो, आलिया भट्ट स्टार किड, क्या पता हुआ प्रधानमंत्री क्या होता है। एक और, हाँ, राहुल गांधी आलिया भट्ट से, जस्ट यूज माई 50-50 हेल्पलाइन, स्टिल नीड हेल्प विच ऑफ दीज इज क्लोजर, ए इंडिया एंड बी मून। आलिया भट्ट, ऑफकोर्स मून, कैन यू सी दिल्ली फ्रॉम देयर? मतलब बहन स्टार के दे, तू कुछ भी करेगी? ऐसे तो मेरे यहाँ से पाकिस्तान दिखता है, मैंने बोला नहीं बोला ना? ऐसे तो मेरे यहाँ से कनाडा भी दिखता है, मैंने बोला नहीं? सीरियस सी बात है, मैंने बोला नहीं ना? दिमाग लगा लिया, अपना दिमाग लगा, 50-50।
अबे किससे पंगे ले रही है तू? राहुल गांधी है वो, खड़े खड़े गाल कटेगा तेरे को। तू नहीं समझेगी बहन, तू नहीं समझेगी। जब तेरी ये पिक्चर फ्लॉप होगी ना, तब तब तू समझेगी। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो ऑनेस्ट रिव्यू और सड़क पार्ट टू पसंद आए तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। अगर आप नए हो तो अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो दूसरों को भी कराओ, पापा को कराओ, मम्मी को कराओ, चाचा को कराओ, फूफे फूफा को कराओ, चाची को कराओ, बुआ को कराओ, भूई को कराओ, बिल्ली को कराओ, कुत्ते को कराओ, भांजे को कराओ, भतीजे को कराओ, भतीजी को कराओ, भांजी को कराओ, करा दो बस। और क्योंकि यार सब्सक्राइब करने से बहुत अच्छा लगता है। और अभी बजे है रात के, आपके कितने बज रहे हैं? रात के 11 बज रहे हैं और मैं चला सोने। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। शब खैर, गुड नाइट।